मोबाइल मोबाइल चाहिए थैंक यू एवरीवन इट विल बी अ क्विक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेशन बिकॉज वी हैव टू लीव अराउंड 12:15 असलान दन बहराम एंड बिलाल शहीन पहले तो मुबारक हो चार हाउसफुल और चार हाउसफुल के सामने चार जबरदस्त परफॉर्मेंसेज तो आप समझते हैं कि आप तो तकरीबन क्वालिफाई भी कर चुके हैं तो कोई नई चीज ट्राई करेंगे क्योंकि विनिंग कम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं तो ताहिर बेग की जगह एहसन भट्टी या किसी और प्लेयर को शावेज को ट्राई किया जाएगा लाहौर के अंदर की आने वाले मैचेस में बिस्मिल्लाह पहले तो पूरे लाहौर और जितने भी लोग लाहौर के बहुत शुक्रिया चारों मैच में आए क्राउड फुल था काफी मजा आया और अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिली दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे जा रहे हैं टीम बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारी चीजें अच्छी जा रही है बट ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे कि सबको मौका मिले और जो बेंच में भी है इंशाल्लाह बट आपको बैट्समैन की जगह बैट्समैन ही कराना पड़ेगा बॉलर नहीं खिला सकते बट इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको जी अस्सलाम वालेकुम शाहीन दिस इज सलाम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट सबसे पहले मुबारकबाद एक शानदार जीत और अनबीटन रन पे और बॉलिंग का तो हमें पता है कि लाहौर कलंदर्स की लाजवाब है दुनिया में शायद सबसे बेस्ट है मगर जिस तरह बैटर्स स्टेप अप किए हैं अब्दुल्ला और सैम बिलिंग्स मिडिल ऑर्डर में अगर कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं और पिछले मैच में सिकंदर रजा ने आउट ऑफ नोवेयर आकर मैच जिता दिया तो इनके बारे में कुछ बात करें और क्या आपको लगता है कि आपकी बेहतर टीम है इस साल पिछले साल से अरे देखिए मैं सिकंदर की बात करूंगा सिकंदर काफी अच्छा प्लेयर है और उसने आप ऐसे नहीं कह सकते कहाँ से भी आके मैच जीता गया और हमें पता है सिकंदर क्या कर सकता है और उस पर पूरा बिलीव है एज अ टीम और इस टीम में वो खिलाड़ी है कि कोई भी आके मैच जिता सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं और आई थिंक जो आपने दूसरा कहा कि काफी अच्छे जा रहे हैं अभी तक और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आने वाले मैचेस है उसमें भी हम बेस्ट करेंगे उमर शहीद जितने की प्रोग्रेस चल रही है आपकी टीम की काफी आप स्ट्रांगली आप जैसे इसने बोला कि आप अनबीटन जा रहे हैं आप लोग आपकी जो कैप्टेंसी की प्रोग्रेस है उसको कैसे देख रहे हैं कितना ग्रोथ आप फील कर रहे हैं कि आपके आपका जो रोल है उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है देखिए काफी इंजॉय कर रहा हूँ और दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जो टीम वाले हैं वो जैसे मैं उनको प्लान देता हूँ या एज अ टीम हम प्लान करते हैं कि क्या हम करना है और मशवरे के साथ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी अच्छा जा रहा है सब कुछ इंजॉय कर रहा हूँ चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ अच्छा लगता है फील और डिसीजन लेना तो आई थिंक काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहा हूँ अभी तक और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगा और टीम को अच्छे रिजल्ट आगे भी मिलेंगे शाहीन अगला मैच कराची के साथ है और लाहौर कराची के हमेशा से राइवलरी रही शावर के साथ लाहौर में सॉरी 12 तारीख को कराची के साथ आपका मैच है तो जब भी कराची के साथ मैच होता है तो इस दफा तो आप जो पहला मैच खेले कराची से उसमें शिकस्त हुई थी तो क्या प्लानिंग है कि कराची को जब अपने होम ग्राउंड में शिकस्त देंगे जैसे उन्होंने अपने होम ग्राउंड में दी जब कराची के साथ मैच आएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे शाहीन निकाह के बाद आपका शादाब और हारिस रऊफ सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हो रही है पीएसएल के अंदर क्या ये जुड़ने आप लोगों के लिए नहीं इससे निकाह का कोई ताल्लुक नहीं है हम क्रिकेट की बात करते हैं क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि फील्ड में अपना बेस्ट दें थैंक यू सो मच थैंक यू